हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू पी पी सी एस पे चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम यहाँ पे क्या घटनाचक्र 2020 की जो भारत दृश्य है गाइज, हम वो करने जा रहे हैं, जो कि आपका जो इंडिया ईयरबुक जो 2021 है उसका सार है, यानी कि भारत 2021 का सार है गाइज। इसमें जो अब हमारा चैप्टर है आज जो है वो है 29, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम की हम बात करेंगे। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं गाइज, फिर हमें कहानी का पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे। तो गाइज, यहाँ हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा, और उसके बाद हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 29, यानी कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है गाइस। इसके बाद ये बुक हो गई खत्म और हम करेंगे पार्टी। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या है कि एक बात कहनी थी, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी बहुत सी ऐसी बुक्स आती रहेंगी गाइस। इसके अलावा एक और बात है, अगर आप घटनाचक्र की जो आपकी है दृष्टि, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि है, दृष्टि आपकी 2021 जो कि आपका करंट अफेयर्स की है गाइस, सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक की, ठीक है, यानी कि पूरा एक साल का उसमें करंट अफेयर है गाइस। अगर आप ये करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आ रही है, 5 पार्ट्स जो है वीडियो के आ चुके हैं, बुक के 5 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपको करना है तो गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या है अपने इस लास्ट चैप्टर को ख़त्म करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा है वीडियो थोड़ा लेट हो गई, बिकॉज क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस वजह से, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे है हमारा, देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1950 की अगर हम बात करते हैं, तो इस संशोधन से संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक क्या स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार तथा कोई वित्त उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार के आधार पर प्रतिबंध लगाने की व्याख्या की गई। इस संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद यानी कि 31 का और 31 खा और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था, और ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती ना दी जा सके। तो दोस्तों, दूसरा यहाँ लिखा है संविधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952। तो इस संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व अनुपात को जो है पुनः समायोजित किया गया। फिर आपका जो है आपका थर्ड जो तृतीय संशोधन है गाइस, उसकी बात करेंगे 1954 की। तो इस संशोधन द्वारा क्या होता है कि संविधान में 7वीं सूची यानी कि अनुसूची 3 यानी कि समवर्ती सूची जो है प्रविष्ट 33 प्रतिस्थापित की गई, ताकि ये जो है अनुच्छेद 369 के समरूप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जो है संविधान चतुर्थ संशोधन कब होता है, 1955 में होता है। तो निजी संपत्तियों को अनिवार्यतः अर्जित और अधिग्रहित करने के की जो है राज्य की शक्तियों की फिर से ठीक ठीक ढंग से व्याख्या करने और उसे उन मामलों से जहां राज्य की जो है विनियमककारी और क्या प्रतिषेधात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए क्या है संविधान के अनुच्छेद 31(2) में संशोधन किया गया। संविधान के आर्टिकल जो आपका है 31 का की परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने और उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोग और देश के खनिज और तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से 31 का संशोधन किया गया। फिर आपका है आपका पांचवा संशोधन जो कि 1955 में हुआ, तो इस संशोधन मतलब 1955, तो इस संशोधन में क्या है अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, और जिसे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानमंडल के लिए क्या है अपने अपने राज्यों के क्षेत्र सीमाओं आदि पर क्या है प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में विचार भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आपका है छठा संशोधन 1956 की बात करते हैं, तो इस संशोधन द्वारा क्या है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद 286 में कुछ परिवर्तन किए गए, और संविधान की 7वीं अनुसूची की संसूची में क्या है एक प्रविष्ट 92 का शामिल किया गया है। फिर संविधान सातवां संशोधन अधिनियम का कब है आपका 1956 का है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और क्या है परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने का उद्देश्य यह संशोधन किया गया उद्देश्य थे। फिर आठवां संशोधन की बात करते हैं 1960 का, तो गई इसमें है संसद और राज्य विधानमंडल में नामांकन के द्वारा अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति जनजाति और अलग भारतीय समुदाय आंगल भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि जो है 10 वर्ष तक के और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 336 में जो है संशोधन किया गया। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे नवा संशोधन जो है 1960 तो भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच हुए करार के तहत पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण करने की दृष्टि से ये संशोधन किया गया। फिर गाइस नेक्स्ट आपका है आपका 10वां जो है 1961 तो दादा नगर हवेली के क्षेत्र को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें जो है प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया। फिर 11वां जो है आपका 1961 इस संशोधन का जो है उद्देश्य संविधान के आर्टिकल 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था जिसे उपयुक्त निर्वाचन मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती ना दी जा सके। फिर 12वां है गाइस 1962 इस संशोधन द्वारा क्या है गोवा दमनद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इसी हेतु जो है अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया। फिर 13वां है आपका 1962 इस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया। फिर 14वां है आपका 1962 इस अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दमनद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है संसदीय विधि द्वारा विधानमंडल का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया। 15वां 1963 में तो इस संशोधन द्वारा क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किए जाने वाले न्यायाधीशों को क्या है प्रतिपूरक भत्ता देने का उपबंध किया गया। 16वें में 1963 में तो इस अधिनियम द्वारा क्या होता है कि अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया जिसमें भारत के प्रभु सत्ता और अखंडता के हित में शांतिपूर्ण और सशस्त्रहीन सम्मेलन और संस्थान बनाने के लिए क्या है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। 17वां 1964 में गाइस क्या होता है जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी उनका निधन होता है तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 31 का में और आगे संशोधन किया गया और इसके अनुसार क्या है निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में उनका बाजार मूल्य ना दिया जाए। फिर 18वां 1966 अधिनियम के अनुच्छेद 3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है को भी शामिल होगा। फिर 19वां जो है 1966 निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 324 का संशोधन इस परिणामिक परिवर्तन के लिए किया गया। तो दोस्तों 20वां है आपका 1966 इस संशोधन से संविधान में एक नए अनुच्छेद 233 का जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को विधि मान्य बना दिया गया। 21वां 1967 इस संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां 1969 ये अधिनियम जो है असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया। 23 1963 अनुसूचित जाति जनजातियों और आंगल भारतीयों के लिए संसद राज्य विधानमंडल में सीटों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन। 24वां 1971 इस अधिनियम द्वारा क्या है मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 25वां 1971 इस संशोधन द्वारा बैंकों के राशिकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया और मुआवजा शब्द को पर्याप्त मुआवजा के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए मुआवजा शब्द के स्थान पर रकम शब्द का यूज किया गया। 26वां 1971 में ही है इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और ये संशोधन माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जो है पारित किया गया। तो गाइस अब 27वां है जो 1971 में ये संशोधन उत्तर पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण कतिपय आवश्यक बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया और एक नया अनुच्छेद 239 का जोड़ा गया जो जिससे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए। तो 28वां 1972 में है गई ये संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की छुट्टी पेंशन अनुशासन के मामले में के संबंध में था ठीक है मतलब के संबंध में विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए पारित किया गया। 29वां आपका 1972 में है
तो संविधान की 9वीं अनुसूची का संशोधन करके उसमें क्या है, भूमि सुधार के बारे में केरल के दो अधिनियम शामिल किए गए। तीसवा आपका है 1972, इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना और उसके स्थान पर सिविल कार्रवाई में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना था 31 1973 में। तो इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या जो है 25 से बढ़ाकर 20 कर दी गई, 25 से घटाकर 20 कर दी गई। 1973 में इस अधिनियम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की अधिकारिकता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया। इसके द्वारा यह संसद को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बना सके। फिर आपका 1974 जो है आपका इस संशोधन के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल में सदस्यों के त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनुच्छेद 101 से 190 में संशोधन किया गया 34 1974। तो इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य मंत्रिमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियमों की 9वीं सूची में शामिल किया गया 35 1974। तो इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया 36 1975 जो है आपका 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। तो 37 है आपका 1975 में, तो इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई 38 1975 में ही है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि अनुच्छेद में उल्लिखित राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 39 जो संविधान संशोधन है 1975 अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने का प्रावधान किया गया जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। तो 40 है 1976 इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा तथा देश के भूभाग के अंदर अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाले सभी खानों खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं तथा अन्य सभी जो है आर्थिक संशोधन को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। तो 41 जो है आपका 1976 इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 42 संविधान संशोधन 1976 तो इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता का उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करने और नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बना रहे उन्हें उन मूल अधिकारों और जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है पर वरीयता देने के उद्देश्य से किया गया। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्यादेश भी जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हो या संस्थाओं द्वारा निपटने के लिए विशेष जो है उपबंध किए गए। तो कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने और किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए जो है कम से कम 2/3 न्यायाधीशों की जो है विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों का भी संशोधन किया गया। फिर लिखा है आपका 43 है 1977 में, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या है अन्य बातों के साथ साथ संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती की गई थी उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए आर्टिकल 32 का 131 का 144 का 226 का
और जो है 228 का को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया और इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 को भी उसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई और हटा दिया गया। ठीक है, अब लिखा है 44वां संविधान संशोधन जो है आपका 1978। तो संपत्ति के अधिकार को जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े मूल अधिकारों के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा और आंतरिक अशांति। यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसे कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया इस संशोधन द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। और इसके अनुसार क्या है निवारक नज़रबंदी कानून के अधीन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में 2 महीने से अधिक अवधि के लिए नज़रबंद नहीं रखा जाएगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नज़रबंदी के पर्याप्त कारण है। अब आपका है 45वां संविधान संशोधन 1980। तो यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आंगल भारतीयों की सीटों के आरक्षण से संबंधित व्यवस्था को 10 वर्ष की अवधि के लिए क्या है और बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसमें है 46वां जो संविधान संशोधन है 1982। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। 47th है 1984 में इस संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया। 48वां है 1984। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तब तक 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती जब तक कि उक्त अनुच्छेद के खंड 5 के उल्लिखित विशेष शर्तें पूरी नहीं होती हैं। चूँकि यह महसूस किया गया है कि रक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है इसलिए संशोधन किया गया ताकि इस मामले में अनुच्छेद 356 के खंड 5 में उल्लिखित शर्तें लागू ना होने पाए। फिर गाइस है 49th है 1984 में। तो त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए। इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य उस राज्य में काम कर रही स्वायत्त शासित जिले परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो 50वां जो है आपका 1984। तो संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को ये निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है कि संविधान के भाग 3 द्वारा सशस्त्र सेनाओं के किसी अधिकारी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारित बलों को प्रदत्त अधिकारों को किस सीमा तक प्रतिबंधित अथवा निराकृत किया जाए ताकि उसके द्वारा कृत्यों के उच्च निर्वहन और उसमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके। 91वां है गाइस 1984। तो इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम की जो अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए जो है संसद में सीटों के आरक्षण किया जा सके अनुच्छेद 332 में संशोधन करके नागालैंड और मेघालय की विधानसभा में भी इसी तरह के आरक्षण किए गए हैं। आपका 52nd है आपका 1985 में। तो इस संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य विधानसभा सदस्य दल बदलता है या दल द्वारा निकाला जाता है तो उसे जो है चुनाव में खड़ा किया जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है वो सदन का सदस्य होने से अयोग्य करार दिया जाएगा। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 है गाइस। इसके तहत क्या है नया अनुच्छेद 371G संविधान में जोड़ा गया जिसे अन्य बातों के अलावा मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज परंपरागत कानून विधि के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की मनाही है। दीवानी और फौजदारी संबंधी मामले जिन पर मिजो लोग के परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय कानून लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती।
लिखा है संविधान संशोधन अधिनियम जो 54th हुआ है आपका 1986, इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाया गया। 55 है आपका 1986, तो इसके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया। मतलब भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया और इसके लिए क्या है संविधान में एक नया अनुच्छेद 371H जोड़ा गया और नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 56 है आपका 1987 में, तो केंद्र शासित प्रदेश गोवा और दमनदीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्रों को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश के दमनदीव में शामिल क्षेत्र को दमनदीव नाम एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हेतु एक जो है अधिनियम लाया गया। तो 57 है आपका 1987, उत्तर पूर्वी राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इन राज्यों की अनुसूचित जनजाति के विकास और अन्य संबंधित बातों पर विचार करके यह जरूरी समझा गया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं और संविधान के आर्टिकल 332 को अस्थायी प्रावधान बनाने के लिए फिर से संशोधन किया जाए। तो इसके अनुसार 170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का पुनः निर्धारण किया जा सके। तो वैसे यहाँ पे है आप नेक्स्ट है आपका 58 जो कि 1987 का है और इसमें लिखा है संविधान को संशोधित करके राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने प्राधिकार के तहत संविधान के हिंदी अनुवाद को जिस पर संविधानिक सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं उसमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर दिया जाए जिससे यह हिंदी भाषा के केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा शैली और शब्दावली के अनुरूप हो प्रकाशित करा सके। 59 है आपका 1988 में, तो इस अधिनियम द्वारा क्या है संविधान के अनुच्छेद 356(5) का संशोधन किया गया जिसके अनुसार 356 के खंड एक के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का एक वर्ष की अवधि से आगे विस्तार किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो पंजाब राज्य में अशांति की स्थिति बनी रहने के कारण क्या अनुच्छेद 356 के खंड 4 के अधीन यथा अनुज्ञेय या 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावी बनाया जा सके। तो 60वां आएगा इस 1988 इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड 2 का इस दृष्टि से संशोधन किया गया जिससे कि वृत्तियों व्यापार आजीविका और नियोजनों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष किया जा सके। फिर 61 है आपका 1989, तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी जाए। और फिर आपका 62 है इस 1989 में, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या है अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण आंगल भारतीय समुदाय के मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्ष तक कर और बढ़ा दिया जाए। तो आपका है 63 है 1989 में, तो संविधान 59 से संविधान संशोधन अधिनियम पर पुनर्विचार करने पर सरकार के निर्णय किया कि संशोधन में पंजाब के आपात स्थिति की घोषणा के संबंध में जिस विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई थी उसकी अब जरूरत नहीं है। तदनुसार 356 की धारा 5 और अनुच्छेद 359 को हटा दिया जाए। फिर लिखा है 64 संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 1 के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 को संशोधित की गई घोषणा की अवधि को 3.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। फिर 65 पर संविधान संशोधन 1990 है, संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 5 अन्य सदस्य जिसमें राष्ट्रपति अपनी जो है मुहर से नियुक्त करेगा। फिर 66 है 1990 में, इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार और कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के 55 नियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नाउ 67 है आपका 1990, संविधान के 64वें संविधान संशोधन मतलब संशोधन में पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 को की गई घोषणा को 3 वर्ष से बढ़ाकर जो है 3.5 वर्ष किया गया और 67वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को पुनः संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। फिर आपका है 68 1991 में,
तो इसमें लिखा है संविधान के 67वें संशोधन के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया और 68वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। फिर 69वें संविधान संशोधन 1991 है, तो इस संशोधन द्वारा क्या है, ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा और एक मंत्रिमंडल भी हो जो आम आदमी के से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकार संपन्न हो और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो सके। तो अब आपका 70वां है 1992 में, तो अनुच्छेद 54 में शामिल की गई एक व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 54-55 में राज्य के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। 71st का जैसे 1992 में इस अधिनियम से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को शामिल किया गया। फिर 72nd है आपका 1992 के माध्यम से क्या है, संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा सके जब तक कि संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल ना हो जाए। तो अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 में संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या सुरक्षित किए गए राज्यों की नीति के निदेशक तत्वों के अनुरूप राज्य में ग्राम पंचायत के गठन को संविधानिक स्वरूप प्रदान किए करने हेतु संविधान में पंचायत से संबंधित एक नया खंड 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाए और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। फिर 74th जो संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इसके द्वारा संविधान में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के संबंध में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया और यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। फिर 75th है संविधान संशोधन 1994, इस कानून द्वारा क्या है, संविधान के भाग 14 का के अनुच्छेद 323 खा में संशोधन किया गया और ताकि किराएदार और मकान मालिकों को समय पर राहत मिल सके और इस संशोधन में राज्य स्तर पर क्या है किराया निर्णय नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने और अन्य सभी अदालतों में मकान मालिक किराएदार के संबद्ध मुकदमे दायर करने पर रोक लगाने की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण ऐसे मुकदमों के फैसलों की अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन केंद्र केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकेगी और यह अधिनियम 15 मई 1994 को क्या है प्रभावी हुआ। नेक्स्ट आते हैं अब आपका है 76 1994 में, तो तमिलनाडु राज्य सरकार अधिकांश लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित स्थानों की संख्या समय समय पर बढ़ाती रही। अब आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाकर 69% हो गई है, 18% अनुसूचित जाति, 1% जो है अनुसूचित जनजाति, 50% अन्य पिछड़े वर्ग। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में जो है 16 नवंबर 1992 को फैसला दिया था अनुच्छेद 16(4) के अधीन कुल आरक्षित संस्थानों की संख्या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षा संस्थाओं के स्थान और राज्य के अधीन नौकरियों में नियुक्तियां पद सुरक्षित करना विधेयक 1993 पारित कर इसे संविधान के अनुच्छेद 31C की व्यवस्था के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेजा और भारत सरकार ने राज्यसभा के इस कानून की व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के इस विधेयक को स्वीकृति दे दी। तो इस निश्चय के परिणाम स्वरूप यह जरूरी था कि वर्ष 1994 में तमिलनाडु कानून 45 को संविधान की 9वीं अनुसूची की परिधि में लाया जाए ताकि संविधान के अनुच्छेद 31B के अधीन न्यायालयों द्वारा विचार न कर सकने के बाद में इस कानून को संरक्षण मिल सके। तो 77th है 1995 में, तो गाइस ये है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने का फैसला किया। 78th का संविधान संशोधन अधिनियम 1995, तो संविधान के अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर कानूनी चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड 3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और चूंकि उन कानूनों में संशोधन को
जो पहले ही 9वीं अनुसूची में शामिल है, कानूनी चुनौती से स्वतः छूट नहीं मिली हुई है। अतः इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ मूलभूत कानूनों के साथ साथ अनेक संशोधित कानूनों को भी शामिल किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लागू होने पर ये कानून जो है मुकदमेबाजी से प्रभावित नहीं होंगे। तो अब है 79th है आपका 1999। तो इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में फिर जो मतलब आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 2002 तक कर दिया, सन 2000 तक कर दिया गाइस। ठीक है, नहीं मतलब ये क्या प्रभावी हुआ, 25 जनवरी 2000 को प्रभावी हुआ। अब होता है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इस संशोधन द्वारा संघ और राज्य के बीच क्या करों के एकत्र राजस्व बंटवारे के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई, और इस योजना के अनुसार आय कर, उत्पादन शुल्क, विशेषतः उत्पादन शुल्क और रेल यात्री किराए पर कर के बदले अनुदान के लिए अब तक राज्य सरकार को केंद्रीय करों और शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलना था, अब 26% भाग जो है राज्य को दिया जाएगा। फिगर्स आगे है आपका 81st, जो कि 2000 में आया। तो इसमें लिखा, इस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई कि संविधान के अनुच्छेद 16 कि किसी भी व्यवस्था के अधीन जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए वर्ष में जितनी खाली सरकारी पद आरक्षित है, यदि वे पद उस वर्ष नहीं भरे गए हैं तो उस पर आगामी वर्षों में या वर्षों में जो नियुक्तियां की गई हैं उन्हें पृथक वर्ग की नियुक्ति साझा मतलब समझा जाए, और उस वर्ग की नियुक्तियों को संबद्ध नियुक्ति वर्ष के कुल पदों के 50% आरक्षित पदों के अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिए शामिल नहीं किया जाए। फिर लिखा है आपका 82nd बार। तो गाइस ये भी 2000 में आए। तो इस संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है संघ और किसी राज्य के मामले से संबद्ध किसी सेवा के किन्हीं वर्गों या वर्ग तथा पदों पर प्रोन्नति देने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंगों और मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने के लिए की गई किसी व्यवस्था को लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 335 को का कोई भी प्रावधान राज्य को नहीं रोक सकेगा। तो आपका है 83 2000 में ही आया। ये भी एक इस कानून द्वारा क्या है संविधान के अनुच्छेद 243M में संशोधन कर व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जनजातियों से पूरी तरह जो है आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। 84th जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2001 है, तो इस कानून द्वारा संविधान के आर्टिकल 82 और 173 की शर्तों में संशोधन किया गया, और ताकि वर्ष 1951 की जनगणना के अनु के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीट और राज्यसभा की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित और पुनर्गठित किया जा सके। फिर लिखा है 85th संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो इस कानून द्वारा क्या है संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) में संशोधन किया गया ताकि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण संबंधी नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में अनुसंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। फिर 86th है 2002 का। तो मतलब इसका संबंध जो है अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए एक नए अनुच्छेद यानी कि 21A से है। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, और यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। फिर लिखा है संविधान के आर्टिकल 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था है। तो 51A में संशोधन करके जो है जे के बाद नया अनुच्छेद यानी कि के जोड़ा गया, और इसमें क्या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता तथा अभिभावक और संरक्षक को क्या है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। फिर 87वां संविधान संशोधन 2003। तो संविधान के अनुच्छेद 31 के खंड 3 के उपबंध की धारा 2 में 1991 की जगह 2001 के लिखा गया है, और संविधान के अनुच्छेद 32 के तीसरे उपबंध की धारा 2 में 1991 की जगह 2001 लिखा गया है, और संविधान के अनुच्छेद 170 व्याख्या में धारा 21
के उपबंध में 1991 की जगह जो है 2001 लिखा गया है। व्याख्या में धारा 3(2) के तीसरे उपखंड में 1991 की जगह 2001 लिखा गया। अनुच्छेद 330 में व्याख्या के उपखंड में 1991 की जगह 2001 लिखा गया है। तो 88th अधिनियम जो है आपका 2003 संविधान के अनुच्छेद 268 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो 268A सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे और इन करों का संग्रहण और उपभोग जो है भारत सरकार और राज्यों द्वारा धारा 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अब सेकंड है, इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष की धारा 1 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक लगाए गए ऐसे किसी भी कर को क भारत सरकार और राज्य एकत्रित करेगा, ख भारत सरकार और राज्य इसका क्या है उचित इस्तेमाल करेगी और ये संग्रहण और उपयोग उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा जैसे कि संसद ने कानून के द्वारा निर्धारित किया है। फिर 89th संविधान संशोधन 2003 की बात करें तो संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजन हो गया। कौन सा था ये गाइस? 58, ये इंपॉर्टेंट है। जो 90वां संविधान संशोधन है 2003, तो इसमें क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 332 की धारा 6 में निम्नलिखित उपबंध, देखिए, असम राज्य के लिए विधानसभा चुनाव में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व जैसे कि अधिसूचित हो तथा जो वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला गठित होने से पहले है को बरकरार रखा गया। तो 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या है? संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया और आर्टिकल 361B जोड़ा गया और संशोधन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद के आकार को विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है। तो इसका उद्देश्य दल बदल विरोधी कानून को मजबूती प्रदान करता है और ये संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है और इसके तहत क्या है किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति के उसके अलग होने पर क्या है दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। तो 92nd संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करते हैं तो इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी और मैथिली और संथाली ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भाषाएं जोड़ी गई। फिर है 93rd संविधान संशोधन अधिनियम 2006 तो 2006 में क्या अधिनियम का उद्देश्य बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के व्यवसाय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था करना है। तो आर्टिकल 15 में संशोधन कर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं सहित सरकारी संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 94th है आपका 2006 में संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के प्रावधानों में बिहार शब्द के स्थान पर झारखंड छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद आपका 95th है 2009 में लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 60 से बढ़ाकर के 70 करने के लिए जो है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया है। तो नेक्स्ट है आपका 36वां संविधान संशोधन 2011 तो इसमें क्या है संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर क्या है ओडिशा लिखा गया ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 तो अनुच्छेद 19(1)(ग) में अथवा संघो शब्द के बाद सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए तथा अनुच्छेद 43(ख) यानी कि सहकारी सोसाइटी के संवर्धन को शामिल किया गया और खंड 1x8 जो है यानी सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया। फिर इसमें लिखा है 98वां संविधान संशोधन 2012 संविधान में अनुच्छेद 371J शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त बनाए मतलब करना था। 99वां जो है आपका 2014 में तो यहाँ पे क्या है 124 अनुच्छेद 124(ख)(ग) को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया और इस अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन और अधिकार भी तैयार करता है। तो 100वां जो है आपका 2015 में संविधान के प्रथम अनुसूची को 1974 को हस्ताक्षरित भू सीमा के सीमांकन से समझौते और क्या है दिनांक 6 सितंबर 2011 को हस्तांतरित तो उसके मूल पत्र के अनुसरण में हानिकारक आधिपत्य को बनाए रखने हेतु तथा विदेशी अंतः क्षेत्र की अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया है। तो संविधान 101 मतलब इसमें लिखा है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 तो इस अधिनियम द्वारा वस्तु और सेवा मतलब GST लागू करने के लिए जो है आपका संविधान की धारा
तो गाइस ये आप देख लिए 248, 249, 250, 260, 269 आपका 270, 71 और 286 और 366, 368 में संशोधन किया गया अनुच्छेद 268 का ए को हटाकर नया अनुच्छेद 246A और वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशिष्ट प्रावधान और 269A अंतर्राष्ट्रीय व्यापक व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर का करारोपण व संग्रहण और 279A वस्तु और सेवा कर परिषद जोड़े गए। तो इस अधिनियम में वस्तु और सेवा कर लागू होने से राज्यों के राजस्व नुकसान की आपूर्ति प्रतिपूर्ति का जो है प्रावधान है। तो अब 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो होता है, इस कानून के माध्यम से पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 366 आर्टिकल 366 में जो है आपका 26C क्लॉस के साथ दो नए अनुच्छेद यानी कि 338B और 342A जोड़े गए जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है और आर्टिकल 340 को लुप्त कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल कोड की सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो इसे क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों के परिषदों कल्याण के उपाय करने का अधिकार है। तो जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, समाज के आर्थिक तौर से कमजोर ऊंची जाति के लोगों के लिए क्या है, केंद्र सरकार और नौकरियों तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वर निजी संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन से राज्य सरकारों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों या राज्य सरकार की नौकरियों में इस तरह का आरक्षण अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आरक्षण वर्तमान आरक्षणों के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में कुल स्थानों के अधिकतम 10% तक ही होगा और इसे संविधान के अनुच्छेदों 15 और 16 में संशोधन हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो गाइज, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो आप इसे पसंद लाइक करिएगा गाइज, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा एंड वीडियो को अभी तक मतलब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। #UPPCSWithChauhan फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, खाली UPPCS के लिए नहीं है गाइज, और एग्जाम्स के लिए भी हैं, धीरे धीरे इसमें आएंगे। अभी जस्ट मुझे 4 मंथ्स हुए हैं गाइज इस चैनल को बनाए हुए, इसलिए अभी मैंने कम वीडियोस डाली हैं। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे इस बुक के संग यहाँ पे ये लास्ट वीडियो है, इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं। अब अगर आप घटनाचक्र दृष्टि 2021 करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसे मतलब वो सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, वो हो चुकी है शुरू। चलिए दोस्तों यहाँ हम आपसे लेते हैं अलविदा।